अभी मैं यहाँ पर रात गुजार रहा हूँ, यहाँ पर रात के 2 बजे। फाइनली सुबह हो गई है, मैं अभी भी यहाँ पर बैठा हूँ। बंदराबास बस टर्मिनल, टर्मिनल लिफ्ट मिल गई है। मैंने समझा सिर्फ पैसे लेकर, लेकिन उसने बोला कि भाई आप चले जाओ। अभी मैं बस टर्मिनल में पहुंच चुका हूँ, टिकट वगैरह पता करता हूँ। रात में आ चुका हूँ, रात के तकरीबन 2 बजे है। शाम को 6 बजे वहाँ से निकला था, इस्फहान से। अभी मैं यहाँ पर रात गुजार रहा हूँ, यहाँ पर रात के 2 बजे। ये पहाड़ है, यहाँ पर मैं अभी बैठा हुआ हूँ। मौसम भी ठंडा है, हवा चल रही है। नीचे वहाँ पर एक ग्राउंड है, वहाँ पर लोगों ने कैंप वगैरह लगाए हुए हैं, मेरे पास कैंप भी नहीं है। और ये सामने शिराज का 5-स्टार होटल है, और नीचे ये ग्राउंड है। मैदान ए कुरान, यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। और काफ़ी ठंड भी लग रही है, यहाँ पर अभी मैं बैठा हुआ था तो ठंड लग रही थी। मैंने किसी और जगह पे बैठता हूँ, काफ़ी मुश्किल है यार, आसान नहीं है। यहाँ पे मैं अकेला हूँ, बिल्कुल देखे कोई भी नहीं है, आगे पीछे कोई भी नहीं है। इस तरह भी नीचे बैठा हुआ था, यहाँ वहाँ नीचे बैठा हुआ था। बात वो जो ग्राउंड है वहाँ पर, ग्रास पर एक तो हवा चल रही है, ये देखें ऊपर जो झंडे लगे हुए हैं कितना हिल रहे हैं। हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी, और नीचे ग्रास है, इस वजह से वहाँ पर बैठा नहीं गया मुझसे। वहाँ से उठ के मैं इस तरफ आ गया था। अभी यहाँ पे कि कोई भी नहीं है, पहाड़ पर ऊपर कोई भी नहीं है, तो अकेला हूँ। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, तो मैंने कहा अभी नीचे जाता हूँ। काफ़ी मुश्किल है यार, ट्रैवल करना आसान नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। इतना मुश्किल से एडवेंचर करके, इतना मुश्किल से वीडियो बनाई जा रही है सिर्फ आप लोगों के लिए। फाइनली सुबह हो गई है, मैं अभी भी यहाँ पर बैठा हूँ। ये ऊपर पहाड़ है, सूरज नहीं निकला अभी तक। और ये नीचे शिराज शहर है, चारों तरफ पहाड़ हैं और दरमियान में शहर है, बहुत बड़ा शहर है। अभी सूरज निकला है तो उसके बाद फिर मैं देखता हूँ, निकलता हूँ किसी तरफ कैंप वगैरह का, देखता हूँ अगर कहीं से मुझे मिलता है तो कैंप वगैरह लेता हूँ, अगर नहीं मिलता तो फिर ऐसे ही गुजारा करता हूँ। दोस्तों सुबह हो गई है, मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर कैंपिंग कर रखी हैं। ये जगह है गेट कुरान, यहाँ पर लोकेशन भी बहुत अच्छी है, इस तरफ पहाड़ हैं और बहुत ही सेफ़ जगह है। आप कभी भी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर रात गुजार सकते हैं। ये जो कैंपिंग हुई है यहाँ पर, ये मोस्टली ईरानी है, मतलब यहाँ के जो ईरान के लोग हैं उन्होंने ही कैंपिंग कर रखी है। आप भी यहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं, हमारे पास तो कैंप नहीं था इस वजह से हम पहाड़ के ऊपर चले गए। जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, ये शिराज का 5-स्टार होटल है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर है और पहाड़ के ऊपर है, देखने में भी बहुत खूबसूरत है और है भी 5-स्टार। ये यहाँ पर एक मुजस्मा भी बना हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है बोस्तान ख्वाजवी करमानी। ये हर जगह पे यहाँ पे पर्शियन ही लिखा होता है, इंग्लिश कहीं पर भी नहीं लिखते। ये मुजस्मा है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कुछ ख्वाजवी करमानी। अब इसका नाम पता नहीं क्या है, शहर तरी शिराज।
बहुत ही खूबसूरत किस्म का मुजस्मा बना हुआ है। मैं अभी बंदर आबाद से बस टर्मिनल के लिए निकल रहा हूँ। यहाँ से टैक्सी का पता करता हूँ कि कितने में जाएगी। अभी कोई टैक्सी आती है तो मैं उससे पूछता हूँ कि वो बंदर आबाद बस टर्मिनल का कितने पैसे लेगा। बंदर आबाद बस टर्मिनल टर्मिनल चंद तुम्हें चंद خراب شد دست حسین بوده بخوای انگلیسی صحبت کنم من دامو احمدی بیامو بیاید چیزی पैसे उड़ा देना था जितने पैसे वो सब उड़ा दो पता नहीं अब ये कितने लेता है नहीं कर सकता क्योंकि सुबह वाला भी मैंने लिफ्ट ही ली थी लेकिन उसने ले लिए थे पैसे من دارم میام فکر می‌کنم یه نیم ساعت دیگه فرستم جاست مای فون باش My type is action. Show me you have a just Instagram. All ID. Of my videos. My video. My account is Chili Punch. My show me you have Instagram ID. Yeah, Instagram ID Chili Punch. If you need help. ओके एक्चुअली ये भाई एडिटर है इंस्टाग्राम की रील्स बनाते हैं इन्होंने अपना आईडी भी हमें शो की है कहते हैं अगर आपको मदद चाहिए होगी बस टर्मिनल माय पेज लास्ट माय पेज या दैट्स न्यू पेज टर्मिनल थैंक यू ओके और बस आवाज बस अच्छा भाई लिफ्ट मिल गई है। मैंने समझा शायद पैसे लेगा लेकिन उसने बोला कि भाई आप चले जाओ। ये इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह बनाता है अपना इंस्टाग्राम पेज जो है आईडी वो भी शो की है वीडियोस बहुत अच्छी बनाता है यार बहुत अच्छी एडिट करता है बनाता है तो उसने अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी शो की है कह रहा है मुझे फॉलो करें उसके बाद अगर आपको कोई मदद चाहिए होगी वीडियो एडिटिंग के लिए तो मैं आपकी मदद कर दूंगा बोला ठीक है आईडी तो मैंने ले लिए वीडियोस में करेंगे फिर इसके बाद बात करेंगे। अभी मैं बस टर्मिनल पे पहुंच गया हूं यहां पर आर्मी घूम रही है तो देखता हूं क्या करना सबसे पहले पक्के पे तो शहर कह सकते हैं ईरान आए ईरान के बाद अभी मैं बस टर्मिनल में पहुंच चुका हूं टिकट वगैरह पता करता हूं बंदर आबाद की बस की टिकट मैंने ले ली है जो कि एक आदमी की 2,30,000 रियाल है। गाड़ी यहां से 8 बजे निकलेगी और अभी बजे है 12 तो
फिलहाल मैं यहाँ पे बैठता हूँ, फिर वेट करता हूँ। और स्टेशन का व्यू कुछ इस तरीके से, इनका स्टेशन भी ऐसे होता है जैसे एयरपोर्ट होते हैं हमारे, इनके बस टर्मिनल भी इतने खूबसूरत होते हैं जैसे हमारे एयरपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट है, आप खाना वगैरह खा सकते हैं। यहाँ पे अंदर सारा जो व्यू है